हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो यार फाइनली आप लोग लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गया। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू मिनी कीबोर्ड के साथ फ्री फायर को प्ले करने वाले। एंड देखते हैं कि ये कैसा है और इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है गेमिंग का। ऐसे तो यार पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि ये कीबोर्ड मैंने कहाँ से लाया था। यार मेरा बहुत इस दिन का पुराना i7 टैबलेट है जिसको मैंने बाय किया था। उस टाइम मुझे ये कीबोर्ड उसके साथ फ्री मिला था, तो वही कीबोर्ड ये है। एंड साथ में यहाँ पे मैं पोको X3 प्रो के साथ इसको कनेक्ट करके साथ में फ्री फायर को प्ले करने वाला हूँ। बाय द वे यहाँ पे आप लोग देखो तो इसका माइक्रो USB है, तो यहाँ पे इसको कैसे हम लोग इसमें अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये तो टाइप सी केबल वाला है और ये माइक्रो केबल है, तो यार कैसे इसमें अटैच करेंगे? इसके लिए तो थोड़ा बहुत यार मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए देखो, फोरपोर्ट में ये नहीं लग सकता क्योंकि इसमें पूरा फुल्ली टाइप सी केबल इसमें यूज़ होता है, टाइप सी OTG। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम लोग इसमें पोको X3 प्रो में इसको अटैच करेंगे, इसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। क्योंकि इस पर मैं अभी एक केबल खुद से ही एक अडेप्टर को बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो कि ये इसका जैक है, बस सिंपल है, बस इसके जैक के साथ अपना जो चार्जर वाला USB केबल होता है बस उसका वायर इसके साथ अटैच करना पड़ता है। बस इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो ये वायर है तो यार इसमें अटैच करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा छोटा वायर निकला हुआ है और इसमें एक एक तार को कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। अगर इससे ना हो तो मैं इसमें डायरेक्ट जो मेल वाला साइड है USB का उसको मैं डायरेक्ट अपने कीबोर्ड का तार कट करके USB कीबोर्ड बना दूंगा। तो यार चलो इन सभी को मॉडिफाई करके फिर से मैं आगे आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली हम लोगों ने अपने कीबोर्ड को मॉडिफाई कर लिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यार माइक्रो USB में कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, उससे हुआ ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट इसको USB में ही कन्वर्ट कर दिया। अगर आप लोग ऐसा ही कुछ करना चाहते हो तो ऊपर आप लोगों को एक पैटर्न शो हो रहा होगा, बस उसी का पैटर्न का यूज़ करके आप लोग भी इजिली अपने कीबोर्ड को मतलब USB बना सकते हो। तो हो गया अब यार पूरा खत्म। तो अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको टेस्ट कि ये इसमें वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने लगा दिया अपने माउस को, एंड माउस इसमें कनेक्ट हो चुका है। एंड फाइनली अब हम लोग लगाते हैं इसमें कीबोर्ड को, यार कनेक्ट हो जाना यार। तो देखते हैं ये कनेक्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही मैं कर रहा हूँ रिपेयर करने के बाद, मॉडिफाइड करने के बाद। तो फाइनली यहाँ पे तीसरा भी डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, यानी कि हमारा कीबोर्ड भी सक्सेसफुली इसमें कनेक्ट हो चुका है। तो अब चलो यार इसको डायरेक्ट गेम के अंदर चलते हैं, एंड जस्ट गेम के अंदर जाने के बाद अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या पे। भाई ये तो माउस से ही क्लिक नहीं हो रहा है भाई। ओ भाई यार इसमें ना माउस वर्क कर रहा है ना कीबोर्ड वर्क कर रहा है, लग रहा है यार पांडा में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो यार एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि लेटेस्ट मतलब अब भी एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है पांडा माउस प्रो में कि यार इसमें कीबोर्ड माउस दोनों गेम के अंदर काम ही नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी देखो स्क्रीन पे कि ये अभी वर्क नहीं कर रहा है और मेरा कीबोर्ड भी वर्क नहीं कर रहा है और साथ में माउस भी नहीं कर रहा है। ऐसे दोनों ऐसे कंटिन्यूली अगर नॉर्मल कहा जाए तो नॉर्मल इसमें ये कनेक्ट है, बट ये इसमें इन गेम ना क्लिक हो रहा है और ना ही कुछ हो रहा है, इसमें काम ही नहीं कर रहा है। तो इस पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा फुल इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे आज मैं इस वीडियो में इस कीबोर्ड के साथ आप फ्लाइट जी Q1 का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यार आप पांडा माउस प्रो में तो ये वर्क किया नहीं, क्योंकि पांडा माउस प्रो में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। बाय द वे इसका सोल्यूशन मुझे मिल चुका है और आप लोगों के लिए जल्द से जल्द उस वीडियो को भी ज़रूर कंटिन्यू कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा फ्लाइट जी Q1 के साथ ये अटैच हो चुका है सक्सेसफुली, और यहाँ से मैं फटाफट से गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड जस्ट आप लोग यहाँ पर अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि यार कितना अमेजिंग ये इसमें वर्क कर रहा है। बाय द वे यहाँ पे अगर इसके बटन्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें यार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्योंकि छोटा छोटा होने के कारण इसमें टैप जैसे मैं कर पा रहा हूँ वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बड़े वाले कीबोर्ड के साथ खेलने से मुझे उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे जस्ट मैं टैप करता हूँ तो टैप करता हूँ ई तो यहाँ पे टैप हो जा रहा है उसके बगल वाला आर, तो यार यही प्रॉब्लम से फेस हो रहा है। बस अगर आप लोग एकदम मिनी कीबोर्ड लेना चाहते हो तो ये वाला आप लोग परचेस कर सकते हो, जस्ट ये 500 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। एंड ओनली कीबोर्ड अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप लोगों को डायरेक्ट ये फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा और आपका इसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। और अगर आप लोग कीबोर्ड एंड माउस दोनों एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को एक डोंगल को बाय करना होगा, अडेप्टर है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, जस्ट यही वाला डोंगल आप लोगों को परचेस कर लेना होगा। तो यहाँ से आप लोग इजिली अपने कीबोर्ड एंड माउस को दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड जस्ट आप लोगों को अगर बोला जाए कि इस कीबोर्ड को ओनली फ्री फायर के लिए, पबजी के लिए या फिर कोई भी FPS गेम्स के लिए अगर बाय करना हो तो क्या रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो भाई यार इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी इसको परचेस मत करो,
इससे आप लोगों का ओनली वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि ये एकदम मिनी कीबोर्ड है और जस्ट इसमें हाथ आपका सेट कभी भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को FPS गेम्स के लिए चाहिए होगा तो बिल्कुल भी मत लो, इन साथ में यहाँ पे FPS गेम खेलना है, इसमें साथ में कुछ रेसिंग गेम्स भी खेलना है और साथ में यहाँ पे आप लोगों को इसमें कुछ टाइपिंग करना है, तब आपके लिए ये परफेक्ट चॉइस बन सकता है, तब आप इसके लिए इजीली जा सकते हो। तो आपको इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कर लेना। और यहाँ पे मैं जो फ्लाइट जी Q1 यूज़ कर रहा हूँ इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग भी इसको परचेज कर सकते हो, 2200 के अंडर में ये आपको मिल जाएगा फ्लाइट जी Q1। ओके, तो बस यार उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ऐसी वीडियोस हमेशा पाने के लिए। और साथ में आप लोग कमेंट करो कि यार आपको नेक्स्ट लेवल का मतलब प्रो लेवल का की मैपिंग वीडियो चाहिए इस कीबोर्ड के साथ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उस पर भी ज़रूर से वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग भी प्रो लेवल का की मैपिंग एंड जस्ट फास्ट गेम प्ले भी कर सकते हो। तो यार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, इस कीबोर्ड के अंदर मैं आप लोगों को पूरा फुल्ली की मैपिंग का भी वीडियो दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।